सहारा रिफंड पोर्टल बन गया समस्या पोर्टल। आज यहाँ हर वर्ग अपना सहारा इंडिया कंपनी में जमा पैसा पाना चाहता है। वहीं बड़ी मुश्किल के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, लेकिन शायद सहारा सहकारी समितियों में जमा पैसा पाने के लिए इतना परेशान होना पड़ेगा जमाकर्ताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल में आज एक माह से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पोर्टल पर समस्याएं यथावत हैं। हर दिन एक ना एक नई समस्या पोर्टल पर आ जाती है, शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं होता। आइए जानते हैं कि वर्तमान में मुख्य रूप से पोर्टल पर आ रही समस्याओं के विषय में, जिनमें से एक समस्या से आप भी प्रभावित होंगे यदि आपने सहारा की सहकारी समितियों में पैसा जमा किया हुआ है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ चैनल की सदस्यता अवश्य लें। आइए जानते हैं कि पोर्टल पर आ रही मुख्य रूप से 12 समस्या कौन कौन सी हैं। समस्या नंबर एक, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल में जमाकर्ताओं के आवेदन कभी निरस्त हो जाते हैं, कभी अंडर प्रोसेस हो जाते हैं, आखिर क्या चल रहा है। समस्या नंबर दो, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल चालू हुए एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक सर्वर की समस्या ग्रसित क्यों है? वेबसाइट कभी चलती है तो कभी चलती ही नहीं। समस्या नंबर तीन, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं वह लगते क्यों नहीं? समस्या नंबर चार, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं के पंजीकरण हो जाने के बाद जमाकर्ता लॉगिन में आधार उपयोग किया ही नहीं, लेकिन पंजीकृत लिखा आ रहा है। समस्या नंबर पाँच, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं के दावा विवरण भरने वाले ऑप्शन में जानकारी भरने हेतु कोई कॉलम नहीं आ रहा है, जिसमें जमाकर्ता की जानकारी व दावा जोड़ा जा सके। समस्या नंबर छः, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं के दावा नहीं जुड़ रहे हैं। समस्या नंबर सात, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नामनी को भुगतान लेने हेतु कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। समस्या नंबर आठ, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं के नाम में त्रुटि है। यदि जमाकर्ता महिला वर्ग है, हिंदू परंपरा आदि के अनुसार यदि विवाह के बाद ससुराल और मायके के नाम अलग अलग हैं, अर्थात जमाकर्ता महिला वर्ग द्वारा विवाह के पूर्व कुछ और नाम था जब राशि जमा की गई थी और विवाह के बाद कुछ और नाम हो गया है, नाम त्रुटि समस्या को दूर करने के लिए कोई समाधान नहीं दिया गया। समस्या नंबर नौ, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं ने आवेदन करते समय यदि कुछ त्रुटि हो गई है, ठीक करने हेतु कोई जानकारी नहीं दी गई, शिकायत लिखने का भी ऑप्शन पोर्टल पर बहुत छोटा है तथा समाधान भी नहीं किया जाता। समस्या नंबर 10, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं के आवेदन अधूरे फंस कर रह गए हैं, जिससे कि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, उसका समाधान किस प्रकार किया जाए। समस्या नंबर 11, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ जमाकर्ताओं जो कि वृद्ध हैं, वृद्धावस्था के कारण हाथ पैर की उंगलियां शिथिल हो चुकी हैं व आंखें भी खराब हैं, इस प्रकार के महिला अथवा पुरुष जिनका आधार में
मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, अर्थात अंगूठा अथवा आँख की निशानी आधार मशीन पर नहीं आ रही है तथा KYC बिना DBD नहीं हो सकता, वह किस प्रकार अपना भुगतान प्राप्त करें जिसकी जानकारी का अभाव है। समस्या नंबर 12, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल में कुछ जमाकर्ताओं का आधार विवरण सही होते हुए भी पोर्टल पर क्यों लिखा आ रहा है कि कृपया अपना आधार विवरण पूरा करें।